हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपने स्टार्टिंग में स्टेटस वीडियो देख ही लिया। इस टाइप के वायरल रील लिरिक्स वीडियो एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। अलाइट मोशन ऐप को ओपन करते हैं। जैसे ही ऐप को ओपन करते हैं, इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। प्लस पर टैप करना है। आप यहाँ से वीडियो रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप करना है। वीडियो फॉर्मेट से सॉन्ग यूज करने के लिए प्लस पर टैप करना है। मीडिया में टैप करना है। यहाँ से वीडियो को सिलेक्ट करना है। वीडियो लेयर पर टैप करना है। थ्री डॉट पर टैप करना है। ऑडियो पर टैप करना है। वीडियो को डिलीट कर देना है। प्लस पर टैप करना है। मीडिया में टैप करना है। यहाँ से आपको फोटो को सिलेक्ट करना है। फोटो लेयर पर टैप करना है। लास्ट में जाना है, इस पर टैप करना है। फोटो लेयर पर टैप करना है। मुंह पर टैप करना है, इस पर टैप करना है। यहाँ से इसके साइज को बढ़ा देना है, इस पर टैप करना है। आप यहाँ से इसे सेंटर में कर सकते हैं। बैक आना है, प्लस पर टैप करना है। मीडियम में टैप करना है। अगेन उसी फोटो को सिलेक्ट करना है। एयर पर टैप करना है। लास्ट में जाना है, इस पर टैप करना है। एयर पर टैप करना है। मुंह पर टैप करना है। आप यहाँ से इसके साइज को कम कर सकते हैं। बैक आना है, प्लस पर टैप करना है। यहाँ से आपको शेप को सिलेक्ट करना है। शेप लेयर पर टैप करना है। लास्ट में जाना है, इस पर टैप करना है। शेप लेयर पर टैप करना है। एडिट शेप पर टैप करना है। एक्स पर टैप करना है। 405 कर देना है, टिक कर देना है। एक्स पर टैप करना है। 550 कर देना है। रेडियस पर टैप करना है। 245 कर देना है। बैक आना है। फोटो एंड शेप लेयर पर टैप करके होल्ड करना है। सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर टैप करना है। ग्रुप लेयर पर टैप करना है। एडिट ग्रुप पर टैप करना है। फोटो पर टैप करना है। आप यहाँ से इसे सेंटर में कर सकते हैं। इस पर टैप करना है। आप यहाँ से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। बैक आना है। न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना है। ग्रुप लेयर पर टैप करना है। मुंह पर टैप करना है, इस पर टैप करना है। यहाँ से आपको इसके साइज को कम कर देना है। बैक आना है। ग्रुप लेयर पर टैप करना है। शैडो पर टैप करना है। सेकेंड ऑप्शन पर टैप करना है। शैडो को इनेबल कर देना है। साइज पर टिक करना है। 20 कर देना है। बैक आना है। बैकग्राउंड फोटो में इफेक्ट ऐड करने के लिए लेयर पर टैप करना है। इफेक्ट पर टैप करना है। ऐड इफेक्ट पर टैप करना है। कलर एंड लाइट पर टैप करना है। नीचे की साइड आना है। आपको यहाँ से इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, इस पर टैप करना है। -100 कर देना है। बैक आना है। ऐड इफेक्ट पर टैप करना है। नीचे की साइड आना है, इस पर टैप करना है। यहाँ से इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। ओपन करना है। राउंडनेस पर टैप करना है। 0 कर देना है। बैक आना है। ऐड इफेक्ट पर टैप करना है। ब्लर पर टैप करना है। यहाँ से ग्लेशियर ब्लर को सिलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। ओपन करना है, इस पर टैप करना है। 0.045 कर देना है। बैक आना है। ग्रुप लेयर पर टैप करना है। इफेक्ट पर टैप करना है। ऐड इफेक्ट पर टैप करना है। कलर एंड लाइट पर टैप करना है। यहाँ से इस इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, इस पर टैप करना है। +20 कर देना है। बैक आना है। क्राउन इमोजी ऐड करने के लिए प्लस पर टैप करना है। टेक्स्ट पर टैप करना है। आप यहाँ पे इमोजी टाइप कर सकते हैं। कलर पर टैप करना है, इस पर टैप करना है। नीचे की साइड कर देना है, इस पर टैप करना है। इमोजी को सेंटर में कर देना है। फॉन्ट पर टैप करना है। यहाँ से आपको iOS फॉन्ट सेलेक्ट करना है। iOS फॉन्ट फोटो ऑल मटेरियल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। 18 फीट पर टैप करना है। यहाँ से आप इसके साइज को बढ़ा सकते हैं, टिक कर देना है। लेयर पर टैप करना है। लास्ट में जाना है, इस पर टैप करना है। इमोजी लेयर पर टैप करना है। मुंह पर टैप करना है। इसकी पोजीशन सेट कर देना है। बैक आना है। लेयर पर टैप करना है। शैडो पर टैप करना है। थर्ड ऑप्शन पर टैप करना है। शैडो को इनेबल कर देना है। साइज पर टैप करना है। 0 कर देना है। कलर पर टैप करना है। व्हाइट कलर सेलेक्ट करना है। बैक आना है। सॉन्ग लिरिक्स लिखने के लिए लिरिक्स के अकॉर्डिंग आपको मार्क कर लेना है। स्टार्टिंग में इमोजी लिरिक्स टाइप करने के लिए लेयर पर टैप करना है। प्लस पर टैप करना है। डुप्लीकेट लेयर पर टैप करना है। कॉपी लेयर पर टैप करना है। एडिट टेक्स्ट पर टैप करना है। आप यहाँ पे इमोजी टाइप कर सकते हैं, टिक कर देना है। कॉपी लेयर पर टैप करना है। शैडो पर टैप करना है। थर्ड ऑप्शन पर टैप करना है। शैडो को डिसेबल कर देना है। बैक आना है। कॉपी लेयर पर टैप करना है। मुंह पर टैप करना है। इसकी पोजीशन सेट कर देना है, इस पर टैप करना है। यहाँ से इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। बैक आना है।
कॉपी लेयर पे टैप करना है, आपको इसको 2 सेकंड पे कट कर देना है। इमोजी लेयर में एनिमेशन ऐड करने के लिए लेयर पे टैप करना है, मुंह पे टैप करना है, थर्ड ऑप्शन पे टैप करना है, स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग में प्लस देना है, एंड में आना है, एंड में प्लस देना है, सेंटर में प्लस देना है, स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग में इसके साइज को बढ़ा देना है, ऐसे ही एंड में आना है, एंड में इसके साइज को कम कर देना है, स्टार्टिंग के सेंटर में आना है, कर्व पर टिक करना है, आपको यहाँ से इसको ऐसे कर देना है, 3 डॉट पे टैप करना है, कॉपी कर्व पे टैप करना है, एंड में आना है, सेंटर में 3 डॉट पे टैप करना है, पेस्ट कर्व कर देना है, एरो पे टैप करना है, बैक आना है, इमोजी लेयर पे टैप करना है। यहाँ से आप इसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। सॉन्ग लिरिक्स लिखने के लिए आपको प्लस पर टाइप करना है, टेक्स्ट पर टाइप करना है, आप यहाँ पे लिरिक्स टाइप कर सकते हैं। कलर पर टाइप करना है, वाइट कलर सेलेक्ट करना है, इस पर टाइप करना है, लिरिक्स को सेंटर में कर देना है। फॉन्ट पर टाइप करना है, आपको यहाँ से फॉन्ट को सेलेक्ट करना है, फॉन्ट अलाइट मोशन में मिल जाएगा। 18 पीट पर टाइप करना है, आप यहाँ से इसके साइज को बढ़ा सकते हैं, टिक कर देना है। लिरिक्स लेयर पर टैप करना है, मुंह पर टैप करना है, आप यहाँ से इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, इस पर टैप करना है, यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं, बैक आना है, लिरिक्स लेयर पर टैप करना है, शैडो पर टैप करना है, इस पर टैप करना है, कलर पर टैप करना है, वाइट कलर सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको 1.0 कर देना है, बैक आना है। लिरिक्स में इफेक्ट ऐड करने के लिए लेयर पर टैप करना है, इफेक्ट पर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, नीचे की साइड आना है, टेक्स्ट पर टैप करना है, यहाँ से आपको टेक्स्ट स्पेसिंग को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, एडिटर पर टैप करना है, 7 कर देना है, बैक आना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, नीचे की साइड आना है, टेक्स्ट पर टैप करना है, यहाँ से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, ओपन करना है, इस पर टैप करना है, स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग में प्लस देना है, एंड में आना है, एंड से थोड़ा पहले प्लस देना है, एंड में 100 कर देना है, नीचे की साइड आना है, ट्रांसफॉर्म पर टैप करना है, लेटर पर टैप करना है, वर्ड सेलेक्ट करना है, इस पर टैप करना है, नीचे की साइड आना है, स्केल पर टैप करना है, -1.0 कर देना है, इस पर टैप करना है, -1.0 कर देना है, अल्फा पर टैप करना है, -1.0 कर देना है, लास्ट में आना है, इस पर टैप करना है, इन पर टैप करना है, +100 कर देना है, इस पर टैप करना है, -100 कर देना है, बैक आना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, इस पर टैप करना है, आपको यहाँ से इस इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, ओपन करना है, इस पर टैप करना है, +10 कर देना है, इस पर टैप करना है, 0 कर देना है, बैक आना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, नीचे की साइड आना है, इस पर टैप करना है, यहाँ से इस इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, ओपन करना है, इन पर टैप करना है, 0.30 कर देना है, इस पर टैप करना है, 0.40 कर देना है, बैक आना है, लिरिक्स ड्यूरेशन कम ज़्यादा करने के लिए लेयर पर टैप करना है, टाइमर पर टैप करना है, आप यहाँ से इसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं, इस पर टैप करना है, सॉन्ग की नेक्स्ट लाइन लिखने के लिए लिरिक्स लेयर पर टैप करना है, प्लस पर टैप करना है, डुप्लीकेट लेयर पर टैप करना है, कॉपी लेयर पर टैप करना है, होल्ड करके आगे की साइड कर देना है, कॉपी लेयर पर टैप करना है, एडिट टेक्स्ट पर टैप करना है, आप यहाँ पर सॉन्ग की नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं, टिक कर देना है। वीडियो को सेव करने के लिए एरो पर टैप करना है, एक्सपोर्ट कर देना है।